उज्जैन के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे पर शुक्रवार देर शाम इंदौर के महिला थाने में युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार युवती ने कुछ दिनों पहले डीआईजी मनीष कपूरिया से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल से सुर्खियों में आ गए हैं। करण पर इंदौर के महिला थाने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के अनुसार कुछ महीनों पहले करण भवरकुआ थाना क्षेत्र किसी होटल में लेकर गया था, जिसके बाद युवती के साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया है, जिसके बाद लगातार शादी का झांसा देता रहा और युवती पुलिस से शिकायत न करे इसके लिए कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक पीड़िता कैट रोड पर कुछ वर्षों पहले करण से संपर्क में आई थी, युवती को शादी का झांसा भी दिया गया। कल एक फरियादी आई, पीड़िता आई और उसके द्वारा बताया गया कि करण मोरवाल करके जो है उज्जैन के निवासी हैं, बड़नगर उज्जैन के, उनके द्वारा शादी का झांसा देकर उनके साथ बलात्कार किया गया है। तो उस पर से उससे काफ़ी डिटेल बात हुई तो उन्होंने बताई और हम लोगों ने फिर वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी मिलाकर एफआईआर करी है, 376 आईपीसी की एफआईआर की। 2020 नवंबर में विधायक पुत्र का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वह सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने पर महिला पटवारी को धमकाते हुए सुनाई दे रहे थे। कथित वायरल ऑडियो में विधायक के बेटे और महिला पटवारी के बीच 3.5 मिनट तक बात हुई थी। मृदुभाषी के लिए इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।